Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी है क्या चीज़, और इसके लिए जो है वो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, जो फार्मूलाज हैं उनके लिए सिंपलेस्ट वे में. जो 2x2 टेबल है, कंटिन्यूसी टेबल जिसको आप कहते हैं, उसमें एक तो ये होता है कि जो रियलिटी है फॉर द डिजीज़ पॉजिटिव एंड डिजीज़ नेगेटिव. दूसरा ये कि जो टेस्ट आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, जो टेस्ट आपके नेगेटिव आ रहे होते हैं. अब अगर फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट जो है वो भी कहते हैं कि आपको कैंसर है या एक डिजीज़ है, और आपके और एक्चुअल में आपको वो डिजीज़ है, सो वी कॉल इट ट्रू पॉजिटिव. सही है, मतलब आपके टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं और आपका आपको डिजीज़ है भी, तो ये हो गया आपका ट्रू पॉजिटिव. उसके बाद ये है कि अगर आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और आपका आपको डिजीज़ नहीं है, सो वी कॉल इट फॉल्स पॉजिटिव. इसको आप कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, मतलब आप में कोई डिजीज़ नहीं है बट आपके टेस्ट कह रहा है कि आपको डिजीज़ है. थर्ड ये है कि आपका टेस्ट जो है वो कह रहे हैं कि आपको आपका टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है और आप वो कह रहे हैं कि आपको डिजीज़ है, सो वी कॉल इट फॉल्स नेगेटिव. मतलब आपको डिजीज़ है बट आपका टेस्ट कह रहे हैं कि आपको डिजीज़ नहीं है. थर्ड फोर्थ पे ये है कि आपको डिजीज़ भी नहीं है और आपको आपका टेस्ट भी कह रहे हैं कि आपका नेगेटिव है, वी कॉल इट ट्रू नेगेटिव. सो ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव. सो उसके बाद जो है फॉर ऑल इक्वेशन जो कि आप यूएसएमएलई में जो हम फाइंड आउट करके स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी, पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू, जो बेसिक इक्वेशन है वो यही है कि एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई. जो 2x2 टेबल हम निकालते हैं ये वाला, फॉर एग्जाम्पल उसमें हम निकालते हैं ए बी सी डी. या रूल्स ये है, तीन रूल्स ये हैं कि जो एरो आप यहाँ से आ रहे हैं, जो नीचे वाला एरिया है मतलब जैसे स्टार्ट हो रहे, वो आपका हो गया नोमिनेटर, जो आपका ये वाला पार्शन है पोर्शन है. जहाँ पे आपका एरो ख़त्म होता है वी कॉल इट डी नोमिनेटर. सही, तो डी नोमिनेटर में आपका जो नोमिनेटर है वो वाला, और उसके साथ जो नीचे वाला एरिया है ये वाला. सही है, अगर फॉर एग्जांपल हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, सो सेंसिटिविटी के लिए हमने यहाँ पे नीचे आना होगा. तो ये कौन सा है, ये ट्रू पॉजिटिव है, जिस तरह यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये आपका हो गया सेंसिटिविटी के लिए. अब स्पेसिफिसिटी के लिए आपने ऊपर जाना होता है, तो थोड़ा सा मोर स्पेसिफिक होना पड़ता है, सिफेलिक जाना पड़ता है आपने. सो यहाँ पर आप देख लें, ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय ट्रू नेगेटिव बाई फॉल्स पॉजिटिव, ये हो गया ट्रू नेगेटिव बाई डिवाइड बाई ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. अच्छा, अब है पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू. तो पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू आपको जाना होगा पॉजिटिव साइड में, जो हम ड्रा कर देते हैं, तो उसमें ये होगा कि आपका हो गया ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये हो गया आपका ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू के लिए आपने इस साइड पर आना होता है, जो नेगेटिव साइड है, जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं वो पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव साइड पे ये है, नेगेटिव पे इस साइड पे आ रहा था. तो ट्रू नेगेटिव ये वाला, ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस ये आप क्या हो गया फॉल्स नेगेटिव आ रहा है आपके. अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ. यहाँ पे अगर इस साइड पे हम जा रहे हैं तो वी दिस इज फॉर द सेंसिटिविटी, अगर हम यहाँ पे जाए तो दिस इज फॉर द स्पेसिफिसिटी, अगर इस साइड में हम जा रहे हैं तो फॉर दी पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू, अगर इस साइड पे आए तो फॉर दी नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू. अच्छा, अब जो टेस्ट हम करते हैं उसका उस हमेशा जो है वो उसकी गारंटी नहीं है कि वो आपके टेस्ट जो है वो मतलब परफेक्ट हो. समटाइम वो होता है कि उसको आपको डिजीज़ नहीं होता और जो है वो कहते हैं डिजीज़ है, समटाइम आपको डिजीज़ होता है बट वो कहते नहीं है. सो एक्चुअली वो आपके जो स्पेसिफिसिटी है, सेंसिटिविटी है, वो आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज़ जो है वो उस टेस्ट पे जो आप डिटेक्ट कर रहे होते हैं उनकी वो देखते कि इतना परसेंट वैलिड है. यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो ये हो गया आपका जो डिजीज़ है, जो रियलिटी है, और ये आपका टेस्ट की जो रिजल्ट्स है. वो कहते हैं कि उन लोगों में जो कि जो केसेस थे तकरीबन 100 थे, और जो कंट्रोल्स थे जो 500 नॉर्मली हम कहते हैं ना, तो उनमें सेंसिटिविटी ये है कि आउट ऑफ 100 उनमें जो है वो 90% आपके ट्रू पॉजिटिव आ गए. तो वी डिवाइड बाय नॉमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो वो आपका 90+10 तो 100 बनता है. तो यहाँ पे आपकी जो सेंसिटिविटी और टेस्ट की वो 90% है. स्पेसिफिसिटी के लिए ये है कि 400 डिवाइड बाय
जो टोटल है वो जो डिनोमिनेटर है 400 प्लस 100 वो आपके 500 बनते हैं। तो 400 डिवाइड बाई 500 तो आपका 0.8 या 80% आपकी उस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी है। सेंसिटिविटी जो है वो हम स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। जिस टेस्ट की सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है वो टेस्ट जो रिलायबिलिटी है वो अच्छी है और उसकी जो स्क्रीनिंग है वो अच्छी होगी और जो स्पेसिफिसिटी है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो एक्चुअल होना चाहिए उस टेस्ट की अगर स्पेसिफिसिटी या सेंसिटिविटी 100% है तो उसका मतलब ये कि उस टेस्ट जो है वो अच्छा है। एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू है कि नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू। तो पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी ये है कि वो लोग जो कि टेस्ट पॉजिटिव उनका आया हुआ है उनमें एक्चुअल डिजीज कितनी है वो ये है। तो 90/190 वो लोग तो तकरीबन 47% आपका पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू बनता है। वो लोग जिनमें डिजीज जो है वो जिनमें टेस्ट नेगेटिव आया है मतलब 410 लोगों में टेस्ट है वो नेगेटिव आया है उनमें कितने लोगों को जो है वो डिजीज है सो वो है जो आपका मेजॉरिटी हम बात कर रहे हैं ये उनमें जो ट्रू नेगेटिव है सो ट्रू नेगेटिव वो आपका तकरीबन 400 आया है और वो डिवाइड करते हैं हम 410 पे वो आपका 97% आया है। तो जो ट्रू नेगेटिव है और जो ट्रू नेगेटिव हम बात करते हैं और फॉर दी पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू हम ट्रू पॉजिटिव की हम बात करते हैं यहाँ पे हम ट्रू नेगेटिव की बात करते हैं। सो उन लोगों में जिनमें ट्रू नेगेटिव हैं आउट ऑफ उन लोगों में जिनमें आपके टेस्ट नेगेटिव आए हैं वो आपका नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू है और पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू है वो है जो उन लोगों में जो आपके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं उनमें आपके ट्रू पॉजिटिव कितने हैं। सही है। अब ये इसका मतलब क्या है उन ये आपके जो प्रेवलेंस डिपेंडेंट होते हैं जो ट्रू पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू। अगर फॉर एग्जांपल किसी डिजीज में किसी कम्युनिटी में किसी डिजीज़ के प्रेवलेंस जो है वो ज़्यादा है हेल्थ आउटकम की उसका मतलब ये कि उसके पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू जो है वो ज़्यादा होंगी और नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू जो है वो क्या होंगे कम होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू सो मच।